गुड मॉर्निंग। मैंने कभी वेजिटेबल गार्डन के ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए, बट ये सब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ थी काफ़ी, तो मैंने कहा ज़रूर शेयर करनी चाहिए। सबको पता ही है बैगन है, ब्रिंजल, एग प्लांट, ठीक है, तो ये काफ़ी सारे हैं और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये इसकी एक दफ़ा हम क्रॉपिंग कर चुके हैं और हमने यूज़ भी किया तो दे वर परफेक्ट, और तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। उस वक्त काफ़ी सारे, पिछली दफ़ा जो उतरे थे वो तो तकरीबन जो है 1.5 किलो थे, 1.5 kg, तो अभी भी आई गेस उतने ही निकलेंगे ये रेडी होने पे। ये भी कम्प्लीटली रेडी नहीं है, ये काफ़ी लाइट है यहाँ से, तो सॉरी काफ़ी डार्क है, ऊपर से थोड़ा सा लाइट और होगा ये आगे। तो एक ये है, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टमाटर का पौधा है साथ में, ये ब्रिंजल नहीं है, ये टोमेटो है, ठीक है। ये एक ही गमले में है शायद, नहीं ये बराबर वाले गमले से आया हुआ है, ये जो शाख है ये बराबर वाले गमले से आई हुई है। ये टमाटर निकल रहा है, इसमें बहुत सारे हैं, सारे कैमरा पर फोकस करना भी मुश्किल है। ये देखिए नीचे इधर, ठीक है, ये देखिए इधर मौजूद है, और अंदर इनमें जो मौजूद है वो तो हैं। ये देखें, ये फ्रंट पे ये है, ये है, कुछ का साइज़ जो है वो छोटा है, कुछ का थोड़ा सा बड़ा है, और एक इधर ये पीछे नीचे देखिए। तो ये गोल वाले बैगन है, लंबे वाले नहीं है, और इधर भी है ये देखिए, ठीक है। तो अच्छा, इस पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस पर मीली बग्स ने अटैक कर दिया है, ठीक है, तो इसके लिए मेडिसिन लगेगी। अच्छा, एक बात और जहन में रखें कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बाज़ार में ऑर्गेनिक, अगर कहीं पे भी आप अगर कहीं वेस्टर्न साइड पे रहते हैं तो अगर कोई ये समझ रहा है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स पर कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होते तो वो बिल्कुल गलत है। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो जब से इंसान ने डोमेस्टिकेट किया है क्रॉपिंग को, चाहे वो वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, यानी कि जब से हमने फार्मिंग शुरू की है तब से जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं। बट उनकी डिफरेंस ये होता है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, उनका असर थोड़ा स्लो होता है और आपको दूसरी कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, तो लेकिन पेस्टिसाइड्स हमें डेफिनेटली यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप चाहें तो आप ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में जो है वो नीम ऑयल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसका फिर कॉन्स्टेंट स्प्रे करें, यानी कि अटैक होने से पहले आप कर दें, आप वेट नहीं करें कि आपके जो गार्डन है उस पर पेस्ट का अटैक हो जाए, आप उसके बाद अगर नीम ऑयल यूज़ करेंगे तो वो इतना असरअंदाज नहीं होगा। और क्या कहते हैं, पहले से अगर आप कर देंगे तो अटैक हो ही नहीं पाएगा। ये हरी मिर्चें हैं, इसमें हरी मिर्चें हमने बहुत सारी यूज़ की हैं, इसमें अभी भी निकली हुई, अब तो ये प्लांट्स का एक टाइम पूरा हो रहा है। इस पर एक और एक इधर मौजूद, ये गोल वाली हरी मिर्च है, ये पीछे करेले की बेल है, इसका रिज़ल्ट कोई बहुत ख़ास नहीं था, बट करेले आए थे, ये आप देख सकते हैं करेला पीछे ख़राब हो रहा है, ऑरेंज, ये शायद बीज बनने के लिए छोड़ा हुआ है। इधर हरी मिर्च अच्छी खासी है, हरी मिर्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, भरी हुई हरी मिर्च इसमें काफ़ी सारी हैं, पत्तों के साथ साथ वीडियो में फोकस करना मुश्किल है, इनको अलग से नज़र नहीं आ रही, ये हरी मिर्चें भरी हुई, और इनमें अभी भी फूल आ रहा है। अब तो वेजिटेबल गार्डनिंग का सीज़न आ रहा है, अब तो सब्ज़ियाँ आपको बाज़ार में भी अच्छी मिलेंगी, और अगर आप घर पर लगाएंगे तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें इधर एक और हरी मिर्च है, और टोमेटोज़ उस वीडियो में आए थे, टोमेटो प्लांट्स ये सारे आगे की तरफ रखे हुए हैं, फ्रंट में जितने भी हैं टोमेटो प्लांट्स हैं, और इनमें आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी अच्छे अच्छे टमाटर आ रहे हैं, खूबसूरत फूल आया हुआ है, और जो टमाटर आ रहे हैं वो शुरू में वीडियो में फोकस हो गया था, ये देखें ये टमाटर है, ठीक है। तो ये सब अभी रेडी होना शुरू हुआ है, ये देखें ये एक बग आई हुई है, इसे उर्दू में तो भवरा कहते हैं, ठीक है, तो ये पॉलिनेशन के लिए आया हुआ है। इनका आना बहुत ज़रूरी है किसी भी गार्डन में, इनको कभी भी नहीं मारिएगा इनका आना, और जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको नहीं काटेगा, इनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए मीली बग इसमें भी आई हुई है, ये भी टोमेटो प्लांट है, और ये भी एक तरह से कीड़े से ही ख़राब हो रहा है, ये देख रहे हैं इसके पत्ते सुखड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ इशू है, इस पर भी दवा लगानी पड़ेगी। लेमन का आप देखें, लेमन में जो है वो फ्रूट है या फ्लावर्स है, अच्छा इसका ग्रोथ हो रही है लेमन की इस वक्त, काफ़ी अच्छा पौधा है ये, काफ़ी हाइटी है, और इसमें तकरीबन आई गेस 7-8 नींबू तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, बाकी इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। ये एक और लेमन है, ये इम्पोर्टेड ब्रीड है, ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट की ब्रीड नहीं है, ये इम्पोर्टेड ब्रीड है, और क्योंकि इसमें कोई वो नहीं हुई हुई, जैसे हम कहते हैं ना कलम नहीं लगी हुई, कलम लगना ये होता है, जैसे पता होगा डेफिनेटली यहाँ पे इसमें इस जगह पे कलम लगी हुई है, यानी वो करते ही हैं कि कोई जो देसी नींबू होता है उसके ऊपर कोई और ब्रीड अटैच करके, तो एक क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड लेमन आप इसको कह सकते हैं कि हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड नहीं है, ये प्योरली
ऑस्ट्रेलियन है, इस पर लेमन भी काफ़ी बड़ा आता है, ठीक है, और उसकी लेंथ भी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है और एटलीस्ट इतना इतना लेंथ का आ जाता है, बट बहुत मुश्किल से आता है। तो मुझे नहीं पता कि इसकी जगह चेंज हुई है, इसकी केयर भी हो रही है इस जगह पे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी देखिए, देखा जाएगा क्या रिज़ल्ट आएगा इसका। ये जो है मिंट है, पुदीना हर घर में होना चाहिए, बहुत आसान है पुदीना ख़रीदना, तो बेवकूफ़ी होती है इसकी, इससे ज़्यादा आसानी से उगाए जाने वाला हर्ब कोई और है ही नहीं। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिनी वाटरमेलन है, जबकि ये मिनी वाटरमेलन नहीं है, हम इसको तोड़ते हैं। ये एक वाइल्ड वेजिटेशन है, ठीक है, इसको उर्दू में तो कचरी कुछ कहा जाता है, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको। ये एडिबल होता है, लेकिन इसका प्रॉपर पर्पज़ पता नहीं क्या है, ये एडिबल है बाय द वे, लेकिन ये वाइल्डली उगा हुआ है, हमने लगाया नहीं है। अब आप ये देखेंगे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वाटरमेलन, लेट्स सी वाटरमेलन कैसा दिखता है। ये जो है ओरिजिनल वाटरमेलन है, ये जो गोल वाला है जिसमें मैंने अभी थंब रखा है, ये ओरिजिनल वाटरमेलन है। और ये जो है ये वाइल्ड वेजिटेशन है, इसका वाटरमेलन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, हो सकता है उसके ख़ानदान से इसका कोई ताल्लुक कभी रहा हो, बट ये वाटरमेलन नहीं है। ये है वाटरमेलन, ये ऑफ सीज़न ग्रोथ है, हमने यहाँ वाटरमेलन की बेल लगाई हुई थी अंदर, इसके अंदर लगाई हुई थी, मैंने शायद पहले कभी दिखाई हो स्पॉट में। अब तो इसमें जंगली पौधे नज़र आ रहे हैं, बेल नहीं नज़र आ रही, बेल ये जो निकल रही है ये तरबूज की बेल है, ये है वाटरमेलन की बेल जो कि यहाँ से बाहर आ रही है, तकरीबन सूख गई है, ऑलमोस्ट एंड है, बाकी सब ये जंगली पौधे हो गए हैं। इसमें कुछ पत्ते तरबूज की बेल के बाकी हैं, ये इसका ओरिजिनल पत्ता है तरबूज की बेल का, तो तरबूज इस पर नहीं आ सके क्योंकि ये जिस सीज़न में तरबूज की क्रॉपिंग होती है ये उसी सीज़न में हमने लगाया था, अपने खाए हुए एक तरबूज का बीज लगा दिया था, तो इसलिए ये तरबूज ग्रो नहीं कर सका। नेक्स्ट ईयर हम उसको प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप फिर से, ये काफ़ी छोटा सा है और ये पूरा होगा भी नहीं, इसमें 4-5 दफ़ा तरबूज आया है बट वो किसी ना किसी स्टेज पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर हम उसको प्रॉपर्टी लगाएंगे और देखेंगे रिजल्ट कैसा आता है। और इसको ये कभी निकले तो उखाड़ के फेंक दीजिएगा, सो वाटरमेलन मत समझिएगा, ये जंगली बेल होती है। चलें नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे विद सम न्यू अपडेट्स, और वेजिटेबल गार्डनिंग का टाइम है तो वेजिटेबल गार्डनिंग पे मैं फिर व्लॉग्स क्रिएट करूँगा।